यहाँ उपलब्धि जनता की तो नहीं रही है, नेताओं की बता सकते हैं। जो भी उच्च पदों पर रहे हैं उन्होंने 10-10 करोड़ की एफडी कराई है। यहाँ पे एमएलए एमपी को कोई पहचानता नहीं, कोई विकास उन्होंने किया ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूँ प्रशांत पाठक। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी लखनऊ और औद्योगिक राजधानी कानपुर की नाक के नीचे बसे हरदोई का उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम किरदार रहा है। यहाँ के राजनेता कभी उत्तर प्रदेश की सरकारों को गिरवाने और कभी बनवाने में सुर्खियों में रहे हैं। 2017 में विधानसभा के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरदोई की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर विजय हासिल की थी। एक सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता रहे नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल चुनाव जीते थे, जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे में विपक्ष शून्य जिले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कितने विकास कार्य किए, इसको लेकर हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की विकास की रोशनी हरदोई में कितनी पहुँची। चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कितने विकास कार्य किए। क्या नाम है आपका? भरत सिंह। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कितने विकास कार्य किए, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने गुंडों माफियों का सफाया कर दिया है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र और इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको विकास को लेकर हम बात कर रहे हैं, हरदोई को पिछले 4.5 सालों में क्या मिला है, ऐसी क्या उपलब्धि रही, क्या सोचते हैं आप? यहाँ उपलब्धि जनता की तो नहीं रही है, नेताओं की बता सकते हैं। जो भी उच्च पदों पर रहे हैं उन्होंने 10-10 करोड़ की एफडी कराई है। यहाँ पे एमएलए एमपी को कोई पहचानता नहीं, कोई विकास उन्होंने किया ही नहीं। रही बात योगी आदित्यनाथ माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश का विकास किया है और ज़िले का विकास में उन्होंने शांति लाया है। आर्थिक विकास में प्रगति तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, समथिंग बेटर इज नथिंग, मतलब कुछ से तो अच्छा है कि उन्होंने विकास किया है। रही बात पिछली सरकारों की, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से बताएं एज ए अधिकारी, पूर्व अधिकारी, तो पिछली सरकारों में सपा गवर्नमेंट में 6-6 करोड़ की डकैतियां पड़ती थी हर महीने, बैंक लूटी जाती थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी इस तरीके का व्यवधान या इस तरीके की लूट यहाँ नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? आशुतोष। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हरदोई में कितना विकास काम किया है? विकास के नाम पर हरदोई बिल्कुल शून्य है, और जब से सरकार बनी है किसी भी वर्ग का, वो चाहे वकील हो, अध्यापक हो या किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, हरदोई के अंदर कोई खुश नहीं दिख रहा है। विपक्ष के नाम पर कोई है नहीं जिसमें कोई व्यक्ति अपनी कोई बात कह पाए। अभी जिला पंचायत चुनाव हुए थे जिसमें जितने भी टिकट आवंटित किए गए सभी पैसे लेकर किए गए। हरदोई में जितने सत्ताधारी नेता हैं वो बिना पैसे के कोई काम करते नहीं हैं, और हमको तो नहीं लग रहा है कि हरदोई में कोई विकास कार्य ऐसा किया जा रहा है जो बीजेपी सरकार में अच्छा किया जा रहा हो। क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। ये बताइए, 4.5 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को, हरदोई में विकास को लेकर क्या आप सोचते हैं? जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारी जहन में कुछ तस्वीरें उभरती हैं। हरदोई में कृषि महाविद्यालय, नवनिर्मित भवन बना खड़ा है, पहले सत्र का इंतजार कर रहा है। एक शिक्षालय जो है चिकित्सालय में तब्दील हो गया है, L2 हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहा है। ये बड़ी विडम्बनापूर्ण स्थिति है। चिकित्सालयों को देखते हैं, जिला चिकित्सालय से लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक, योगी सरकार कह रही है कि MLA MP उनको गोद लें, बड़ी बदहाल व्यवस्था में वो हैं, स्थिति में हैं, और चिकित्सालय या चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सरकारी क्षेत्र में हम ये देख रहे हैं कि सारी आशाएं एक मेडिकलेज पर आकर के टिक गई हैं, मतलब वो एक विद्यालय पर आकर के, शिक्षालय पर आकर के टिक गई हैं।
मेडिकल कॉलेज तो हरदोई में बन रहा है, दूसरी चीज़ यह है कि कानून व्यवस्था को लेकर कितना संतुष्ट हैं? कानून व्यवस्था को लेकर मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अपराध बढ़ रहे हैं। अभी कल ही हमारे आवास के सामने दो बाइकर्स एक महिला की चैन छीन कर भाग गए, वो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं, उनका अता पता नहीं लग रहा है। अपराध बढ़ रहा है, अपराध थमा नहीं है। क्या नाम है आपका? शमीम अब्दुल्ला मेरा नाम है। ये बताइए, 4.5 साल हो गए हैं योगी आदित्यनाथ सरकार को, हरदोई में विकास के कामों को लेकर क्या आप सोचते हैं? नहीं देखिए, जनता तो विकास चाहती नहीं है। जनता तो धर्म और राज और जाति के नाम पे वोट करती, विकास जनता चाहती कहाँ है? जनता ने जो चाहा वो दिया है। एक खास वर्ग को 450 अभी शूट आउट हुए हैं, तो खास वर्ग को एक अभियान चलाया गया है। एक खास वर्ग के लिए आपने देख लिए सारे, आप एनकाउंटर देख लीजिए, सबकी गाड़ियां पलटी हैं कि कैसे हैं कि न्याय व्यवस्था क्या, पुलिस के दम पे खाली वो टेरर, एक खाली समुदाय विशेष के खिलाफ टेरर है बस और कुछ नहीं। आप विकास जो हुआ 4.5 सालों में, विकास के जो काम हुए हरदोई में उसको लेकर क्या कहना? विकास के नाम पे खाली एक मेडिकल कॉलेज है, अब वो भी अभी 3 बार उसकी, 9 तारीख, 1 बार 15 तारीख, 1 बार 30 तारीख, 3 बार डेट कैंसिल हो चुकी हैं। विकास के नाम पे मेडिकल कॉलेज जो है उसकी अभी न छत है अपनी, ना यहाँ ओपीडी के लिए एक कोई कमरा बना है। आप जाके देख सकते हैं मेरे साथ कि वहाँ कुछ भी नहीं है, सार टूटा पड़ा है। पैथोलॉजी की एक बिल्डिंग है और डॉक्टरों के बैठने के लिए जो प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं उनके बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। विकास के नाम पर यह है, और ये चुनाव से पहले उसको एन के एन प्रकरण खाली, उसको ये बस एक ही इनके पास झुंझुना है, उसके बाद दूसरा है नहीं। क्या नाम है आपका? सुनील त्रिपाठी। क्या लगता है आपको कि 4.5 साल हो गए हैं योगी आदित्यनाथ सरकार को, विकास के पैमाने पर हरदोई कितना खरा उतरा है? विकास के पैमाने पे हरदोई की कोई उन्नति नहीं हुई है, और केवल कागजों पर विकास। इस सरकार में मजदूर, श्रमिक, कर्मचारी सारे लोग पीड़ित और परेशान हैं। महंगाई आसमान छू रही है। केवल धर्मान वातावरण और सांप्रदायिकता भरे बयान भाजपा के नेता देते हैं, जिससे समाज की समरसता और एकता पे प्रहार होता है। विकास के नाम पर केवल कागजों पर विकास है और धर्म नगरियों का विकास है वोट के हित में। क्या नाम है आपका? जी, मैं अनुराग मिश्रा हूँ और इस समय भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। क्या लगता है आपको 4.5 सालों में हरदोई में क्या बदलाव हुए विकास को लेकर? देखिए, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा रह नहीं गया है, विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गया है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास में विश्वास करती है, काम करने में विश्वास करती है, और इसीलिए जो जनादेश मिला है देश का, जनता ने ये दिखा दिया है, जनता ने ये दिखा दिया है कि अब इस देश की सत्ता में विकास और आम जनता के सुख दुख में साथ देने वाले लोग ही सत्ता की उसमें रहेंगे। बाकी जाति पात के नाम पर राजनीति करने वाले, इनकी दुकानें जनता ने बंद कर दी है। हमारा सवाल है, हरदोई में पिछले 4.5 सालों में विकास की ऐसी कौन सी उपलब्धियां रही हैं जो आप गिना सकें? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है, इस समय कोविड की बीमारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, तो एक मेडिकल कॉलेज हरदोई जनपद को देने का काम माननीय योगी जी ने किया है, ये हरदोई जनपद के लिए बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा का क्षेत्र हो, अभी यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो क्या कहते हैं एक यहाँ पर वो खुला डिग्री कॉलेज, उसमें टीचर्स नहीं थे, उस फैकल्टी के बारे में भी उसको चालू करने के लिए बात चल रही है, लेकिन विशेषकर जो मेडिकल कॉलेज है ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक ये क्रांति का प्रतीक होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले, इस पर जो है सरकार का जोर है। क्या नाम है आपका? आदेश प्रताप सिंह। ये बताइए, 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हरदोई में ऐसे कौन से विकास काम किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
योगी सरकार द्वारा सबसे बड़ा तो कार्य हम ये मानते हैं कि इन्होंने अपराध पे बहुत बड़ा कंट्रोल किया। इस समय अपराधी बिल्कुल अंडरग्राउंड है, अपराधी नाम की चीज़ समाज में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। वैसे तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है उसका, लेकिन संगठित अपराध शून्य है लगभग हरदोई में। दूसरी चीज़ ये है कि एक अमृत योजना करके एक योजना चल रही जिसमें घर घर साफ पानी और पीने योग्य पानी की व्यवस्था की गई है, तो लगभग उसका कार्य पूर्ण होने को है। दूसरी चीज़ यह है कि हर घर में बिजली की व्यवस्था के लिए उन्होंने एक योजना चालू की है, तो उसके द्वारा घर घर लाइट बिजली ये सब पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बाकी सड़क नाली ये सब निर्माण एक सतत प्रक्रिया जो लगातार चल रही है, और लगभग योगी सरकार के खिलाफ इस समय विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको वो बड़ा मुद्दा बना सके। हम इसको सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि मानते हैं कि कोई भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। कोरोना के कारण व्यापार उसमें समस्या आई है, लोगों के जनजीवन में समस्याएं आई हैं, लेकिन फिर भी योगी जी अपने प्रयास से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनजीवन को सुचारू रूप से चल सके। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह अर्पण जी। ये बताइए क्या लगता है आपको, साढ़े चार साल में हरदोई में कितना विकास हुआ योगी सरकार में? योगी सरकार में विकास का विनाश हुआ सर। क्या क्या लगता है आपको पूरे उसको लेकर? सब बर्बादी हो रही, हर चीज़ बिकाऊ है, हर चीज़ बिक रही है, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, आप बाहर निकल के देखिए, किसी रोड पर देखिए। कुल मिलाकर यहाँ के लोगों से जो जनता की राय सामने आई है उसके हिसाब से लोगों की यहाँ मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि विकास काम नहीं हुए हैं। ऐसे में 2022 के चुनाव में जनता किसको अपना सरताज बनाएगी ये आने वाला समय बताएगा। प्रशांत पाठक, यूपी तक, हरदोई।